उपमंडल बड़सर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत धंगोटा के तहत आने वाले गांव बतलाऊ में खुले शराब के ठेके का जमकर विरोध हो रहा है। क्षेत्र में खुले नए शराब ठेके के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं ने उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बेरवा से मुलाकात की। महिलाओं का कहना है कि पंचायत में ये दूसरा ठेका खोल दिया गया है। नए खुले शराब ठेके की वजह से क्षेत्र के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह ही यहाँ पर लोग शराब के नशे में झूमते देखे जाते हैं। ऐसे में यहाँ महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उपायुक्त से मिलने पहुंची महिलाओं ने कहा कि सुबह सवेरे यदि सैर करने के लिए जाए तो शराब ठेके के बाहर शराबी नशे में धुत मिलते हैं। विरोध स्वरूप क्षेत्र की महिलाओं ने बीते शुक्रवार शाम को भी बेची जा रही शराब का विरोध किया है। महिलाओं का कहना है कि विरोध जताने के दौरान ठेका संचालकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। देखिए, हमारे गांव के पास में शराब का नया ठेका खुल रहा है। इसके बारे में हमने सोमवार को, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था संडे वाले दिन, तो अगले दिन सोमवार को आके हमने डीसी साहब को इसके बारे में अवगत करवाया था। उन्होंने हमें उस टाइम आश्वासन दिया था कि इसके बारे में कार्य किया जाएगा, परंतु कल उन्होंने शराब रख ली है, सेलिंग करना शुरू कर दी है। तो हमने रात को जब उनको इस चीज़ से रोका तो सर वहाँ पे जो ऑनर है ज़मीन का, उसने आके हमें जो है वो बुरा भला कहा। साथ ही सर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हम जितनी देर वहाँ पे रहे उतनी देर तो उन्होंने सेलिंग रोक दी, हमने रुकवा दी, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही चीज़ शुरू हो गई। आज सुबह ही सर 7-8 बजे से वहाँ पे ड्रिंकिंग दोबारा शुरू है। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमारी ही एक दादी को, दादी से करने, इनसे बात की और इनको बोला कि आप तो मर गए हो, आप तो खड्ड में लगाने के लायक हो। ठीक है सर, बात हुई। सुबह सुबह वहाँ शराब की टल्ली हो चुकी है, जो एक सुनसान एरिया, हमने पहले भी ये चीज़ समस्या जो अपनी रखी थी। हमने क्या किया है कि अभी हम लोग सारे महिला मंडल के डीसी साहब के पास दोबारा आए थे, तो उनको जब हमने ये सारी समस्या बताई कि आज सुबह ये हुआ है और अभी तक हमारे पास आपकी तरफ से आश्वासन पत्र या कोई चीज़ नहीं मिली है, तो उन्होंने हमारे साथ शांतिपूर्वक बात की और हमारी समस्या को सुना और हमारी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें 100% ये कॉन्फिडेंस दिलाया है कि वो हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सर, हमारा गाँव बतलाहू पड़ता है, ग्राम पंचायत धंगोटा, वार्ड नंबर 4 है हमारा, और हम सारे महिला मंडल के सदस्य बतलाहू से आए हुए हैं। हमारे वहाँ पे जो एरिया पड़ता है वो बिल्कुल सुनसान है, आने जाने की 4.5 किलोमीटर तक डंगा स्टेशन पड़ता है शिमला धर्मशाला NH पे, वहाँ तक आने जाने के लिए कोई बस फैसिलिटी नहीं है। हम लोग पैदल आते जाते हैं, हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस हर जगह के लिए आते हैं, हमारी माताएं, महिलाएं, बहनें, इवन हमारे भाई भी अपने काम से रात को देर रात तक आते जाते रहते हैं। महिलाएं रोज़मर्रा के काम के लिए वहाँ से अकेली आती जाती है, इससे हमारे वहाँ पे जो है हमें इनसिक्योरिटी फील हो रही है। सेकंड थिंग सर, कि हमारे वहाँ पे जो मेन समस्या है, हमारा बॉर्डर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कल को जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होती है उनको इस चीज़ से बढ़ावा मिले, ठीक है सर। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम CM सर से, हमारे MLA सर से और हमारे DC सर से ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल इस रोड से हटा दिया जाए। हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पूरे महिला मंडल की। बाकी उन्होंने आज हमें आश्वासन भी दिया है, हम DC सर का जो है इस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। के पास है गड्डी थी उतरी तो अभी एक ने शराब पीती हुई थी, तो वो कहता भाई बुढ़ी तू तो खड्डा लगने जोगी, खड्डा नहीं लगी अजय, जब दिने सवेरे सवेरे ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होगा। होती आए तो सैल करने, बुढ़े उतनी सैल करने भी आते हैं।